जब तक मोदी जी अपना अहकार खत्म करके किसान की बात नहीं मानेगा, तीनों काले कानून निरस्त नहीं करेगा, जब तक हमें यही जिएंगे, यही मरेंगे, यही डटे रहेंगे, यही हमारा ऐलान करके आना है। तीन काले कानून जो केंद्र की सरकार कृषि के ऊपर लेके आई है और बिजली विधेयक 2020 इनको वापस करने के साथ किसानों ने अपनी नई मांग MSP कानून लागू करने की मांग को लेकर यहाँ पे पड़ाव चल रहा है। ये कानून सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के किसानों को लागू होने वाला है। हमने गुजरात में किसान सभा के अलावा दूसरे 16 किसान संगठनों को इकट्ठा करके हमने गुजरात खेडूत संघर्ष समिति बनाया और जब 8 तारीख का पूरा भारत बंद का ऐलान आया उसमें हम जो सभी किसानों को जुड़ने के लिए आह्वान किया। गुजरात में किसानों ने पूरा बंद रखा और APMC भी पूरी तरह ठप रहा और ज़्यादातर जो ब्लॉक सेंटर है वो भी बंद रहे, व्यापारियों ने अपने व्यापार धंधा बंद रखा। किसान संयुक्त मोर्चे ने केवल जो दिल्ली के इर्द गिर्द हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को और उत्तराखंड को, इन राज्यों को ही दिल्ली कूच का आह्वान किया था, बाकी अपने अपने राजधानी और जिले में कूच करें। लेकिन कर्नाटक से आए हैं, केरल से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं और अब तो वहाँ के किसानों ने कहा है कि हम अगर सरकार नहीं 29 तारीख को अगर वार्ता करके किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करती है, काले कानून वापस नहीं लेती है तो केरल और तमिलनाडु से ट्रैक्टर लेकर के 4000 किलोमीटर चल करके इन मोर्चों में आने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से 1 तारीख को आर पार की लड़ाई का संयुक्त मोर्चा आह्वान करेगा और मोदी हारेगा और किसान जीतेगा। मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूँ उस जिले में हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 1000 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम किसानों को दिलवाने का काम किया है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। सरकार एक फसल का, हमारे ज़िले में चने की फसल होती है उसमें 450 रुपये 1 हेक्टर का किसान प्रीमियम देता है, लेकिन उसके बदले में 7050 रुपये राज्य सरकार और केंद्र सरकार 1 हेक्टर का प्रीमियम सब्सिडी देती है, तो 2 हेक्टर का हो गया 14100 रुपये। अगर इसको हम 2 फसल में अगर कैलकुलेशन करें तो 28200 रुपये 1 साल का सरकार बीमा कंपनियों को प्रीमियम सब्सिडी देती है, तो उस घोटाले को दबाने के लिए इन्होंने 6000 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम पे किसानों को शुरू किया है। और गुजरात में जो गवर्नमेंट है वो इधर किसी को आना नहीं देना चाहते, इसलिए जब 8 तारीख को हमारी बंद का जो सफल हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने पूरे स्टेट में 31 दिसंबर तक का 144 धारा लगा दी और इसके हिसाब से कोई 4 आदमी इकट्ठा न हो पाए और सभी किसान संगठनों के लीडरों को नज़रबंद कर लिया और अरेस्ट भी कर लिया। इसके बावजूद हम पुलिस के नज़रबंदी से छिप कर भी हम निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे गुजरात से 200 से ऊपर साथी इधर आ गए हैं और अभी आना धीरे धीरे चालू है। ये सिलसिला थमने वाला नहीं है क्योंकि सब जानते हैं कि आंदोलन से किसानी को बहुत भारी नुकसान होने वाला है, तो संघर्ष करके भी साथी इधर आ रहे हैं और गुजरात सरकार ने अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगा दी है। वो डर रही है कि गुजरात के किसान अगर दिल्ली जाएंगे तो गुजरात मॉडल का पर्दाफाश कर देंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र के करीबन 1200 के ऊपर लोग आए हुए हैं, सब 52 यानी 52 व्हीकल साथ में आए हैं। 21 तारीख को हम नासिक से निकले और 25 तारीख को यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर आने के बाद राजस्थान कमेटी और बाकी सब संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने अच्छी तरह से स्वागत किया हमारा और ये जो दिल्ली से शाहजहाँ की ओर जाने वाला यानी राजस्थान जाने वाला
जो रोड है वो हमने ब्लॉक किया। एक शर्म की इंतहात होती है कि ऐसा आदमी जो ये कह रहा था देश नहीं बिकने दूंगा, पहले पहले उसने कविता गाई तो हम भी बड़े खुश हुए, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये जो कह रहा है ये उसे विपरीत कर रहा है। सारा देश बेच दिया, आज ये हमें बेचना चाह रहा है, देश की जनता को बेचना चाहता है, देश की धरा को बेचना चाहता है। ये कतई देश की जनता स्वीकार नहीं की। हमारे पुरखों ने यहाँ लाखों कुर्बानियाँ दे के इस देश को आज़ाद कराया है, हम पुनः इसको गुलाम नहीं होने देंगे। मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 में गुजरात सरकार ने बंद कर दी है। क्यों बंद कर दी? कंपनियों ने 40,000 करोड़ का जो बीमा मिलने वाला था किसानों को हो चुका या नहीं है, और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। देश के प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ रुपए देकर के किसानों पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए जो बीमा कंपनियों को अपने जो शेयर होल्डर हैं इनके बड़े बड़े कॉरपोरेट जिसमें अंबानी और अडानी भी शामिल हैं उनको मालामाल करने के लिए प्रीमियम सब्सिडी के रूप में किसान वेलफेयर फंड का जितना भी पैसा है, हम आज से 20 साल पहले देखेंगे किसान को डीजल पे सब्सिडी मिलती थी, खाद पे, बीज पे, पेस्टिसाइड पे, कीटनाशक सब पे सब्सिडी मिलती थी, ऊंट गाड़े का, भेड़ बकरी का, गाय भैंस का जो लोन मिलता था, जो कृषि यंत्रों का लोन मिलता था, ट्रैक्टर भी अगर लोन पे मिलते थे उन पे सब्सिडी मिलती थी, वो सारी सब्सिडियां सरकार ने ख़त्म कर दी और बैकडोर से बीमा कंपनियों को सब्सिडी के रूप में किसान वेलफेयर फंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो सरकारें बजट में प्रावधान करती है वो बीमा कंपनियों को देने का काम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि से 2000 देंगे, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, किसान भी मानते हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। एक एक किसान को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है और सरकार 2000 दे के वो हिसाब चुकाना चाहती है, ऐसे नहीं होगे। किसान नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, और आज पूरे गुजरात में इमरजेंसी जैसा माहौल होने के बावजूद भी किसान ही छुप छुप के यहाँ दिल्ली पहुंच रहे हैं। मोदी जी को ये मैसेज देना है, मोदी जी या तो आराम से ये तीनों काले कानून वापिस ले लो, और जो बिजली का एक खतरनाक कानून बना रखा है वो वापिस ले लो, और जो 1 करोड़ रुपए पराली जलाने पर उसका वो कर रखा है, उस पर जुर्माना लगा रखा है किसान के ऊपर, वो वापिस ले लो, नहीं तो किसान उसकी यहाँ इस देश में नहीं रहना रहने देगा मोदी जी को। यहाँ से रात को भागेगा मोदी जी, दिन में टाइम नहीं लगेगा मोदी जी ने भागने के लिए। दरअसल जो मोदी जी कह रहे हैं ये प्राइवेट करण की बात मैंने मेरे बचपन में देखी हुई है और मेरे पुरखों से सुनी हुई है। हम जब ये सदा मंडीकरण नहीं था, जब मंडीकरण नहीं था यही प्राइवेट सेठ थे। हमारी पहली बात तो उनके पास बाट ही नहीं थे, क्योंकि माप तोल करने वाला था नहीं, कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, तो ऐसे में वो केवल पत्थर के बाट रखते थे। ये मेरा 5 किलो का है, ये 10 शेर का है, और ये मण का है, और मण की बजाय हमारा तौल 41 किलो को तोलते थे और 40 किलो मापते थे, मानते 40 थे, तोलते 41 थे। ये मंडियों में लुटता था किसान, और किसान जब वो लुटता था तो उसी वक्त किसान की लूट को बचाने के लिए किसान जनसंगठन तैयार हुए। जब किसान जनसंगठन तैयार हुए उन्हीं के दबाव में किसानों ने आंदोलन करके ये मंडीकरण करवाया था। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि जो मोदी सरकार ने ये काले कानून पारित किए हैं इसके अंदर किसान के साथ साथ जो मध्यम वर्ग है इनके ऊपर जो जरूरी वस्तुएं जो है उनके उनका खुला इन्होंने जमाखोरी का कानून है ये इन्होंने ख़त्म कर दिया, तो इससे महंगाई बढ़ेगी। और देश के अंदर सौभाग्य की बात है कि ये जो आंदोलन है इसको किसान नेता हैं, जो किसान है वो लीड कर रहे हैं, तो सभी को किसानों का साथ देना चाहिए। राजनीति धर्म जात पात से ऊपर उठ के सभी को किसानों का साथ देना चाहिए, क्योंकि किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान पूरे देश के अंदर जो भी व्यक्ति है हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा है जो रोटी खाता है। गुजरात के किसानों को MSP पे कोई खरीदी नहीं हो रही है। गेहूं का 2019-20 का जो गेहूं हुआ था, वीट जो हुआ था, उसका खरीदी नहीं किया, उसका रेट है 1925 रुपया एक क्विंटल का, और गुजरात के किसानों ने 1500 रुपया क्विंटल में अपने गेहूं बेचा है, तो एक क्विंटल पे 400 रुपया का नुकसान किया है। और ये जो 3 कानून बनाए हैं, ये 3 कानून यदि अमल में आते हैं तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। ये कानून खाली कॉरपोरेट के हित के लिए है, जमाखोरी अनाज की या कोई भी पैदावार है उसकी जमाखोरी करने के लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट को अदानी अंबानी इनको वो जमाखोरी करने के लिए एक प्रकार का लाइसेंस दिया गया है, और उससे
मनमानी तरीके से खरीदी करेंगे और वो मनमानी तरीके से लोगों को बेचेंगे, यानी कम भाव में खरीदेंगे और दुगुना तिगुना भाव में लोगों को बेचेंगे। आज जो हमारे महाराष्ट्र में गेहूँ मिलता है 20 रुपये किलो, तो वो 50 रुपये किलो भी लेना पड़ेगा ये जमाखोरी की वजह से। ये मोदी को कल्पना नहीं थी कि किसान इतना मजबूती से संगठित है और इतना शांति से आंदोलन करने में समर्थ है, इसलिए वो हमारे ऊपर ब्लेम लगाता है कि तुम राजनीतिकरण करते हो। अगर मोदी जी ने ठेकेदारी ले रखी है, राजनीति की ठेकेदारी नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान देश के हर नागरिक को राजनीति करने का अधिकार देता है। हम ये चाहें हम लुटते रहें, पिटते रहें, बगावत नहीं करें, उसके खिलाफ बोलने नहीं, आवाज़ नहीं उठाएं, ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये आंदोलन किसानों का संगठित और योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया, बढ़ाया गया आंदोलन है। केंद्र सरकार ने जो किसानों के विरोध में जो काला कानून बनाया है, ये काला कानून केंद्र सरकार वापस लेना चाहिए, इसलिए हम आए हैं। तो जब तक ये केंद्र सरकार ये कृषि कानून, बिजली बिल कानून है, जब तक वापस नहीं लेता, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे, इसलिए हम आए हैं। हम हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे बच्चों के अस्तित्व के लिए और इस देश के भविष्य के लिए, इस देश को बचाने के लिए, देश को बेचने वाले लोगों के सामने कभी नतमस्तक नहीं होंगे, उनको हारना होगा। ये देश विरोधी ताकतें केवल भारत माता की जय कह के भारत माता के देशप्रेमी नहीं है। हमने महसूस कर लिया जो गौ रक्षक बनते हैं वो सही मनों में कभी गौ नहीं पालते, गाय का दूध भी नहीं पीते, वो सब गाय का दूध भी नहीं पीते, गाय पालते भी नहीं। गाय उनके बार के सामने आ जाए ना, गेट के सामने गली में आ जाए तो लठ मार के भगाते हैं, वो गौरक्षक बने फिरते हैं। वैसे ही ये भारत माता की जय कहने वाले लोग भारत को बेच रहे हैं, देश की जनता के सामने ये दोगली नीति बना रहे हैं। किसान जाग उठा, पहले जैसा किसान अनपढ़ किसान नहीं है। मोदी जी ने सारा सौदा देश का बेच दिया, ये मोदी जी के पिताजी ने पैदा नहीं किया था देश, ये किसान का देश है, ये मोदी जी का, इसमें कोई और नहीं। ठीक है भाई, उसकी ड्यूटी थी प्रधानमंत्री जी बन के, प्रधानमंत्री की ड्यूटी निभाते बढ़िया ढंग से, आगे भी लोग इज्जत करते, ऐसा काम करेंगे आगे ना उनकी कोई इज्जत रहेगी ना यहाँ दिखेंगे नहीं।